and I've been to a lot of waterfalls, but this is something different, and watching it live is a different feeling. Alright, so what is up guys, it's Gunal, you are watching King Street Vlogs. तो कैसे हैं आप लोग? तो finally हम लोग एक प्लेस पे जा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए. तो मैंने जो लास्ट व्लॉग किया था, आई थिंक उसको 2 महीने हो चुके हैं, तब से मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया है. तो आज हम ट्राई करेंगे व्लॉग करने के लिए, बिकॉज बहुत दिनों बाद कर रहा हूँ. आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, होप करता हूँ ऐसे ही रहे, वरना शूटिंग करने के लिए बहुत ही दिक्कत हो जाती है. और अभी बज रहे हैं 12:13 और हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं पूरा काम ख़त्म करके. तो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट द व्लॉग. On our way और हम लोग यहाँ पे रुक चुके हैं बिकॉज दिस व्यू इज अमेजिंग. और यहाँ पे एक छोटा सा कैनल जैसा है और उसके पीछे माउंटेन एंड दिस फील्ड्स, दिस इज क्रेजी. तो ये प्लेस का जो फील है ना, अगर आप लोग यहाँ पे होते तो समझ सकते थे, मतलब अलग ही लेवल का फीलिंग है. तो दिस इज अमेजिंग, चेक दिस आउट. Alright, so we are done with this place. It is getting very hot. और अभी waterfall लगभग 4 या 5 मिनट के दूर distance पे है, मतलब तो हम लोग वहाँ पर जाएंगे. So let's get out from here because the sun is directly falling on us and it is too hot over here. So let's go. अभी हम लोग यहाँ पे वाटरफॉल ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी तक हमें नहीं मिला है. वहाँ पे हमने गाड़ी पार्क करके हम लोग चल के ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे. और यहाँ पे लोकल घर भी नहीं है क्योंकि ये बहुत ही आई थिंक अंदर पड़ता है. तो देखते हैं वाटरफॉल कहाँ पे. सो वी वर सर्चिंग फॉर द वाटरफॉल. तो एक लोकल आदमी ने हम लोगों को यहाँ पे ये रास्ता बताया. हमें पता नहीं था यहाँ पे ऑफ रोड भी है, लेकिन आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो गाड़ी पीछे पार्क करके यहाँ से जा सकते हो. तो काफ़ी हद तक हम लोगों ने ये ऑफ रोड पूरा कर चुका है और ये जो लास्ट स्ट्रेच है तो यहाँ पे पूरा आई थिंक पानी पानी है और आगे जाके वहाँ पे पानी ख़त्म होता है. तो यहाँ से हम लोग अभी सोच रहे हैं कि बाइक लेके जाए या नहीं लेके जाए, तो देखते हैं. ओके, तो फाइनली हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग यहाँ से बाइक लेके जा रहे हैं. बाइक क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि हमें वहाँ पे बाइक रखना बहुत ही रिस्की लग रहा है, क्योंकि हमारे बाइक में बहुत सारी चीज़ें हैं जो वैल्यूबल है. तो हम लोग यहाँ से अभी जा रहे हैं फाइनली बाइक लेके. तो हम लोग यहाँ पे जो मेरे कज़न है वो ये ऑफ रोड कर रहा है पूरा. नहीं जी, हम लोगों ने ये जो ऑफ रोड है वो पूरा कर लिया है और हम लोग आगे अभी बढ़ रहे हैं. आई थिंक जो लड़का जिसने हमें बताया था ये वाटरफॉल, तो हम लोग के लिए रुका है. तो ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, निकलते हैं और बढ़ते हैं वाटरफॉल की तरफ. तो हमें लग रहा था कि हमें बाइक रख के चल के जाना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक सो
काफ़ी हद तक वाटरफॉल के पास बाइक जाती है, तो ये भी सही है। अगर आपके पास ऑफ रोड बाइक है जैसे हिमालयन, तो दिस इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन। लेकिन अभी तक हम लोगों ने जो वाटरफॉल है वो देखा नहीं है, तो कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हैं। और देखते हैं कैसा होता है वाटरफॉल, और चलो आगे देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, सो वी हैव केप्ट आवर बाइक एंड द साइकिल इज द गाय हु टोल्ड अस अबाउट दिस वाटरफॉल। सो लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस। Without heart in your head, you're right, but in my head, you are the bad. I wanna show to the world. So this is a very good place. I mean like, यहाँ से चलने में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब रोड नॉर्मल है, जैसे नॉर्मल ट्रेल्स रहते हैं, तो यहाँ पे कोई भी आ सकता है बेसिकली। तो हम लोग अभी हो गए 5 मिनट चल रहे हैं, तो और वाटरफॉल का भी आवाज़ सुनाई दे रहा है हमें। सो द फ्लो ऑफ द वाटर इज़ इंक्रीजिंग, तो इससे आपको ये पता चलता है कि वाटरफॉल यहाँ कहीं नज़दीक है। सो दिस इज़ द गाय हु इज़ गाइडिंग अस टू द वाटरफॉल। After all that off-road and हम लोग finally waterfall के पास पहुँच चुके हैं, and this is I don't know, this is something different, क्योंकि ये waterfall मैंने पहली बार देखा है, and I've been to lot of waterfalls but this is something different, and watching it live is a different feeling. Before showing you the waterfall, I want to thank Ashley जिन्होंने हमें ये waterfall तक guide किया है, और वो ना होता तो पता नहीं हम लोग कौन से waterfall में पहुँच जाते। So this is Ashley and please like the video for him, not for me. So thank you Ashley. So this is the place. तो ये एक तरह का cave है, और यहाँ पे landslide हो सकता है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पहले से ही landslide है, तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। तो ये जगह अम्बोलिम में है, दैट इज़ साउथ गोवा। लोकेशन मैं डाल दूँगा, लेकिन फिर से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, क्योंकि ये जगह भी बहुत ही क्लीन है, और यहाँ पर थोड़ा कचरा है जो कि इस तरफ है, लेकिन ओवरऑल ये जगह बहुत ही क्लीन है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे वजह से यहाँ पे कुछ गंदा हो जाए। वी हैव डन द नेसेसरी शूट फॉर आवर व्लॉग, तो अभी हम लोग यहाँ पे नहाएंगे और बाद में निकल जाएंगे। तो सी द सिनेमैटिक्स व्हाइल वी आर हैविंग फन। Cause I don't love you boy, I wanna show to the world that you're the bad one, you always being bad, you begging me to come out with you, 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 I don't know, I'm fine without you, 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 you begging me to come out with you, 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 I don't know, I'm fine without you, 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 you. और आई सो वी आर डन विद दिस प्लेस, और बहुत मज़ा आया। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये जगह ज़्यादा दूर नहीं है, आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा, और थोड़ा सा ऑफ रोड है। द वाटर इज़ काइंड ओके, लाइक नॉट डैट कोल्ड, तो नहा सकते हैं आप लोग। तो जो कुछ भी ये जगह के बारे में मैं घर पे जाके बताऊंगा। तो सी यू एट होम, बाय। ऑलराइट, तो ये जगह के बारे में बात करते हैं। सो द प्लेस इज़ कॉल्ड ड्रैगन वाटरफॉल, और ये साउथ में पड़ती है। अगर आप लोगों को लोकेशन चाहिए
गूगल मैप पे मिल सकती है, आप लोग टाइप कर सकते हो। और सेकेंडली, अगर आप लोग ये जगह पे जा रहे हो तो मेक श्योर जो कुछ भी आप लोग लेके जा रहे हो वापस ला रहे हो। एंड थर्डली, ये बात है कि बारिश के मौसम में दिस प्लेस इज द बेस्ट, तो बेस्ट टाइम टू विजिट दिस वाटरफॉल इज द रेनी सीजन। एंड दिस न्यूज़ इज, आई मीन, ये जो बात मैं करने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोगों ने क्रॉस किए हैं 2K सब्सक्राइबर्स, दैट इज़ अ गुड थिंग। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया, जिन्होंने भी कमेंट किया, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू ऑल। एंड जो सपोर्ट मुझे मिला है, आई मीन आर चैनल इज मोनिटाइज फाइनली, सो थैंक यू। होप दिस वीडियो मेड योर डे। टिल देन पीस आउट, लिव योर लाइफ लाइक अ किंग। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। एंड सीन्स, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी बहुत तक गए हैं। इडली डोसा है इधर।